नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। राजस्थान का वो लड़का भविष्य की बेहतर संभावनाओं से भरा था। एक समय था जब सचिन पायलट राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजेश पायलट की मौत के बाद उन्हें सियासत में कदम रखना पड़ा। आज राजनीति के चौराहे पर खड़े सचिन पायलट के संघर्ष और सफलता की कहानी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की युवा ब्रिगेड के सबसे चमकदार चेहरों में से एक सचिन पायलट, जिनका पूरा नाम सचिन राजेश पायलट है, जिनका जन्म 7 सितंबर 1977 में हुआ। एक इंडियन पॉलिटिशियन जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी। कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने 2018 में राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया। पायलट पहले 2009 में अजमेर के लिए भारतीय सांसद के सदस्य थे और राजस्थान के दौसा निर्वाचन क्षेत्र में संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। जब वे 2004 में बाद की सीट से निर्वाचित हुए 16 वर्ष की आयु में, वे 2014 में अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गए। उन्होंने मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्य संभाला। अपने पिता और दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए सचिन पायलट 6 सितंबर 2012 को भारतीय प्रादेशिक सेना में एक अधिकारी के रूप में कमीशन होने वाले देश के पहले केंद्रीय मंत्री बने। सचिन पायलट ने 15 जनवरी 2004 को सारा अब्दुल्ला से शादी की। सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। साथ में उनके दो बेटे हैं, आरन और विहान। दौसा लोकसभा क्षेत्र पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट इस सीट का 4 प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो वहीं उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट और बेटे सचिन पायलट भी दौसा की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सचिन पायलट 2004 में लोकसभा चुनावों में भारत में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। 2009 में लोकसभा चुनाव में पायलट ने भाजपा की किरण महेश्वरी को भारी अंतर से हराया। वह गृह मामलों की लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य हैं और नागरिक उड़ान मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में दूसरे कार्यकाल के दौरान वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बने, जैसा हमने आपको पहले बताया। और सचिन पायलट 2014 के लोकसभा चुनाव में अजमेर सीट से भाजपा के सिटिंग विधायक सांवरलाल जाट के भारी मतों के अंतर से हार गए। 2014 में वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। 2018 के विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट ने यूनुस खान को हराया और टोंक सीट जीती। 13 जुलाई 2020 को उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार के तहत राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत के खिलाफ विरोध का झंडा उठाने वाले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पार्टी के हाईकमान की कार्यवाही का शिकार हो गए। अपने राजनीतिक जीवन की 17 साल की यात्रा में सबसे बड़े चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। अपने राजनीतिक सफर में सचिन पायलट सांसद, केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान के पीसीसी प्रमुख और 41 साल की उम्र में डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। आए एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं उनका राजनीतिक सफर। सचिन पायलट 2018 में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 13 जनवरी 2014 को उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2014 में सचिन पायलट ने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा चुनाव लड़ा। भाजपा के संवरलाल जट से 1,71,983 मतों के अंतर से पराजित हो गए।
साल 2012 में सचिन कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद पर बने रहे। सचिन पायलट 2009 में संचार और आईटी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2012 में कॉरपोरेट मामलों के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2004 में गृह मामलों की लोकसभा की स्थिति समिति के सदस्य बने। 2006 में नागरिक उड़ान मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य बने। सचिन पायलट 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। भारत में 26 वर्ष की आयु में सबसे युवा सांसद बने। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। सचिन पायलट की शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा के साथ हुई। सचिन पायलट की एजुकेशन बीए एमबीए सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली और वाहटन बिजनेस स्कूल, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया यूएस में शिक्षित हुए। 11 जून 2000 में एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट की मौत के बाद सचिन पायलट 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को 14 जुलाई 2020 को पार्टी ने राजस्थान कांग्रेस पीसीसी प्रमुख और डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया। अपनी स्नातक पूरी करने के बाद दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में 2 साल तक उन्होंने काम किया। सचिन की लव लाइफ किसी फिल्मी कहानी की तरह रही है जिसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन तीनों थे। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब वह एमबीए पढ़ने के लिए लंदन गए, दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई के बाद सचिन एमबीए के लिए लंदन चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी उमर अब्दुल्ला की छोटी बहन सारा अब्दुल्ला से हुई। देखिए कैसी रही इनकी खूबसूरत कहानी। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की कुछ दिनों की मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात सामान्य बातचीत से आगे बढ़कर प्यार तक पहुंच गई। एमबीए करने के बाद सचिन भारत लौट आए लेकिन सारा को पढ़ाई के लिए लंदन में रुकना पड़ा। हालांकि भारत और लंदन के बीच की दूरी भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं ला सकी। ईमेल और फोन के माध्यम से दोनों रोजाना बात करते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर आखिरकार वह समय आ गया जब सचिन और सारा को अपने घर वालों को अपने रिश्ते की बात बतानी थी। सचिन हिंदू थे और सारा मुसलमान। जायज है दो अलग अलग धर्मों के इस मिलन में परेशानी होनी ही थी और हुई भी। सचिन और सारा के बीच मजहबी दीवार खड़ी कर दी गई। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया लेकिन अधिकांश फिल्मों की तरह ही यहाँ भी प्रेम कहानी का अंत खुशनुमा रहा। हालांकि ये बात अलग है कि इसके लिए सचिन और सारा को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। कहा जाता है कि सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ इनकार कर दिया था कि सचिन से उनकी शादी कभी नहीं हो सकती। सारा ने अपने पिता को मनाने के लिए लाख कोशिश की लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। जब सहमति के सारे दरवाजे बंद नजर आए तो सचिन और सारा ने एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए जनवरी 2004 को शादी कर ली। इस शादी में अब्दुल्ला परिवार की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। हालांकि सचिन के परिवार ने सारा का पूरा साथ दिया। वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला परिवार के मिजाज में भी नरमी आई और उसने सचिन और सारा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सचिन आज जहां राजनीति में अपनी अलग अलग पहचान बना चुके हैं वहीं सारा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। सचिन कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे लेकिन पिता राजेश पायलट की मौत के बाद उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। आइए अब जानते हैं कि क्या कुछ और खास और अलग बातें हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट को उड़ान भरने का शौक है। वह एक अच्छे शूटर भी हैं।
उन्हें 1995 में NYUSA से अपना निजी पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया है। शूटिंग में उन्होंने कई राष्ट्र राइफल और पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं दी हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है। किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सचिन रुचि लेते हैं। उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और वर्तमान मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण विकास, राजनीतिक और विदेशी संबंधी मामलों में रुचि है। उन्होंने 2001 में अपने पिता पर एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का शीर्षक था राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर। तो ये थी सचिन पायलट पर हमारी खास पेशकश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।